हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित है पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों भाग ब के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी 9 सितंबर 2024 को जारी संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार, जिसमें दोस्तों अपने 5 टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 6ठा नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है गाय की प्रमुख नस्लें। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 50 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कम समय में अगर आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों इस सीरीज के साथ में जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आपने पिछली जो 5 क्लासें है वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परिचर भाग ब टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें सिलेबस के अंदर जो जो पशुपालन से संबंधित टॉपिक दे रखे हैं उस सिलेबस के अनुसार अपन यहाँ पे चल रहे हैं। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। इसमें देखिए भारतीय गाय की विशेषता नहीं है, भारतीय गाय की विशेषता कौन सी नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, गल कंबल उपस्थित बिल्कुल है, कुबड़ उपस्थित है बिल्कुल सही है, दूध उत्पादन कम है भारतीय गाय का बिल्कुल सही बात है, गर्मी असहनशील ये विशेषता दोस्तों नहीं है, गर्मी सहनशील है। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पश्चिमी राजस्थान में थार पार कर गाय पाई जाती है, गर्मी वहां पर सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो गर्मी सहनशील है भारतीय गाय की विशेषता, असहनशील नहीं है। तो यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, जेबू व टी कप काऊ किन देशों की गायों को कहते हैं। दोस्तों, जेबू तो कहते हैं यूरोपीय की गाय को, ठीक है, और टी कप काऊ बोलते हैं अमेरिका की गाय को। तो यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पशु विश्व में अपनी सर्वाधिक संख्या रखता है। बताइए, कौन सा पशु विश्व में अपनी सर्वाधिक संख्या रखता है, तो वो है दोस्तों बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भेड़ हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक गायें किस देश में पाई जाती है। विश्व की सर्वाधिक गायें किस देश में पाई जाती है, तो दोस्तों ये भारत में पाई जाती है। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन सी गायें पाई जाती है भारत में, दोस्तों गिर, साहिवाल, मालवी, राठी, नागौरी, ये गायें हैं वो पाई जाती है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गायें कौन से राज्य में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक गायें दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक गायों वाला जिला कौन सा है। बताइए, सर्वाधिक गायों वाला जिला कौन सा है राजस्थान में। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं, ऑप्शन के अनुसार तो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। वैसे राजस्थान में सर्वाधिक गायें दोस्तों उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है, और सबसे कम गाय है वो दोस्तों धौलपुर जिले में पाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मरुस्थली क्षेत्रों में दोस्तों गोपालन है वो एक प्रमुख व्यवसाय है, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारत में गोवंश की संख्या कितनी है। भारत में गोवंश की संख्या है वो कितनी है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कितनी, तो दोस्तों 193 मिलियन लगभग। वैसे अगर एग्जैक्ट बताऊं तो दोस्तों 192.49 मिलियन है वो भारत में गोवंश की संख्या है, ठीक है। और इसका दोस्तों 6.98% इसका, यानी कि 192.49 का 6.98% राजस्थान में पाए जाते हैं दोस्तों ये गायों की संख्या, ठीक है। तो दोस्तों
यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और राजस्थान की कुल पशु संपदा में गोवंश की संख्या है वो दोस्तों 24.47% है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, भारत की दुधारू नस्ल है, भारत की दुधारू नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें साहीवाल, कौन सी साहीवाल, इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना साहीवाल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है, बताइए गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है तो वो कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों थार पारकर, कौन सी थार पारकर। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। थार पारकर गाय का जो मूल स्थान है वो दोस्तों बाड़मेर का मालानी क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, और स्थानीय भागों में दोस्तों मालानी नस्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जालौर में इस नस्ल की गाय है वो अधिक संख्या में पाई जाती है। और ये दोस्तों पूर्णतया शुष्क परिस्थितियों में अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये थार पारकर। और इसका उपयोग दोस्तों कृषि कार्य के लिए भी किया जाता है। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे गोवंश की किस नस्ल को सवाई चाल के लिए जाना जाता है, यानी कि गोवंश की नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है कौन सी दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कांकरेज, कौन सी कांकरेज। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब ये कांकरेज जो गाय है इसका मूल स्थान माना जाता है गुजरात का कच्छ का रन माना जाता है। और ये दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है, बाड़मेर, सिरोही, जालौर, जोधपुर के कुछ क्षेत्रों में ये पाली जाती है। और इस नस्ल के बैल है वो अच्छे भारवाहक होते हैं। और ये दोस्तों द्विप्रयोजनीय नस्ल भी है ये। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, सबसे छोटे कद वाली गाय की नस्ल कौन सी है, बताइए सबसे छोटे कद वाली गाय की नस्ल है वो कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों सबसे छोटे कद वाली गाय की नस्ल है तो वो है दोस्तों वेचूर, कौन सी है वेचूर। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वेचूर। आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, करण स्विस किसका क्रॉस है, करण स्विस किसका क्रॉस है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था ये ब्राउन स्विस और साहिवाल का दोस्तों ये क्रॉस है करण स्विस। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गोवंश की सर्वश्रेष्ठ भारवाही नस्ल है, गोवंश की सर्वश्रेष्ठ भारवाही नस्ल है वो कौन सी है। तो वो है दोस्तों इसमें नागौरी, ठीक है, कौन सी है नागौरी। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसका मूल स्थान माना जाता है नागौर जिले का सुहालक प्रदेश। और दोस्तों ये नागौरी बैल है ये दौड़ने में तेज, मजबूत और भारवाहक होते हैं। इस नस्ल की गाय है वो दोस्तों कम दूध देती है। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए करण फ्रीज क्रॉस है होलिस्टन फ्रीजियन और किसका, बताइए करण फ्रीज क्रॉस है होलिस्टन फ्रीजियन और किसका। तो और थार पारकर का दोस्तों ये क्रॉस है, ठीक है, करण फ्रीज। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, मोंटगोमरी किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान है, मोंटगोमरी किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें साहीवाल का, किसका साहीवाल का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, साहीवाल का। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, किस नस्ल यानी कि कौन सी नस्ल तेज चाल में विश्व प्रसिद्ध है, तेज चाल में कौन सी विश्व प्रसिद्ध नस्ल है। तो वो है दोस्तों नागौरी। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गोवंश की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, गोवंश की सबसे भारी नस्ल है वो कौन सी है, वो है कांकरेज। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रतिफल परिस्थितियों के अनुकूल गोवंश की नस्ल है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया अभी दोस्तों थार पारकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। थार पारकर क्यों है, क्योंकि ये अत्यंत
शुष्क प्रदेश में दोस्तों ये पाई जाती है, और ये शुष्क परिस्थितियों में भी होने के बावजूद ये अत्यधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सर्वश्रेष्ठ द्विकाजी गोवंश नस्ल है, सर्वश्रेष्ठ द्विकाजी गोवंश नस्ल है तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए द्विकाजी नस्ल तो दोस्तों यहाँ पे कांकरेज भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ की बात की गई है तो दोस्तों जो गायें जो बार वाहन और दुग्ध उत्पादन के लिए दोनों के लिए प्रसिद्ध है तो वो है दोस्तों हरियाणवी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणवी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, गाय की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल मानी जाती है, तो दोस्तों वो मानी जाती है थारपारकर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, थारपारकर यानी कि थार को पार करने वाली, यानी कि थारपारकर, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, देखिए यहाँ पे सींग केसर की समस्या से सर्वाधिक ग्रस्त गोवंश की नस्ल है, बताइए दोस्तों यहाँ पर है कैंसर है, ठीक है, सींग कैंसर की समस्या से सर्वाधिक ग्रस्त गोवंश नस्ल है तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों कांकरेज। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कांकरेज। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, सफेद सिंध व धारी के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है, सफेद सिंध व धारी के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों थारपारकर, ठीक है, थारपारकर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सफेद सिंध व धारी के नाम से ये प्रसिद्ध नस्ल है थारपारकर, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, बड़े थैले जैसा आयन किस नस्ल की पहचान है, बड़े थैले जैसा आयन किस नस्ल की पहचान है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है HF नस्ल की पहचान है दोस्तों, ये बड़े थैले जैसा आयन, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, गोवंश कर त्रिसंकरित नस्ल है, बताइए गोवंश कर त्रिसंकरित नस्ल है तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों राठी, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राठी, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, राठी गाय दोस्तों यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये लाल सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है ये, ठीक है, और ये नस्ल की जो गायें हैं वो दोस्तों अत्यधिक दूध देती है, इसी कारण इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, और दोस्तों ये इस नस्ल के बैलों में बार वैन की क्षमता है वो कम होती है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, राठी। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, लोला और मुल्तानी किस नस्ल का उपनाम है, तो दोस्तों ये साहिवाल का उपनाम है दोस्तों, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन। 26 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए पीठ सीधी मजबूत व चौड़ी छाती किस नस्ल की पहचान है, तो दोस्तों ये पहचान है नागौरी नस्ल की, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल है, तो दोस्तों वो है कौन सी, तो वो है साहिवाल, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन साहिवाल। आगे देखिए राजस्थान में गिर नस्ल के वितरक जिले हैं, गिर नस्ल के वितरक जिले हैं तो वो कौन से हैं, अजमेर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डी नंबर का जो ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़गढ़ जिलों में ये नस्ल है वो पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सभी सही है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सबसे मीठा दूध किस गोवंश की नस्ल का माना जाता है, तो दोस्तों ये माना जाता है साहिवाल का, राइट आंसर यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 30 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए विश्व की सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों HF होलिस्टीन फ्रीजियन, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा HF, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होलिस्टीन। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है तो वो कौन सी है,
भारत की सर्वाधिक है दुग्ध उत्पादक नस्ल है तो वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसकी भी दोस्तों हो जाएगी HF होलिस्टीन। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा होलिस्टीन। आगे देखिए, बाहेमान रेंडी अजमेरा किस नस्ल के उपनाम है? तो दोस्तों बाहेमान रेंडी अजमेरा किस नस्ल के उपनाम है? तो ये दोस्तों गिर नस्ल के उपनाम है ये। यहां पर अपना ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रथम ट्रांसजेनिक गाय कौन सी है? प्रथम ट्रांसजेनिक गाय कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा वो है रोजी। कौन सी है? रोजी। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रोजी। आगे देखिए, 34 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण भारत की प्रमुख भारवाही नस्ल है, दक्षिण भारत की प्रमुख है भारवाही नस्ल है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों कंगायम। कौन सी है? कंगायम। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर कंगायम। आगे देखिए, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल है, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल कौन सी है? तो वो है दोस्तों थारी और मारवाड़ी दोनों। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, बनियार वागेड किस नस्ल के उपनाम है? तो दोस्तों ये कांकरेज नस्ल के उपनाम है दोस्तों ये। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? दोस्तों राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? राठी को कहते हैं, राठी गाय को। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, होलिस्टीन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थान है, होलिस्टीन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थान है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों होलैंड। कौन सा है? होलैंड। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, अलवर भरतपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध गोवंश की नस्ल है, तो अलवर भरतपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध गोवंश की नस्ल है तो वो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वो है मेवाती। कौन सी है दोस्तों? मेवाती। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेवाती। इसका दोस्तों अन्य नाम है, जिस इसको कोठी के नाम से भी जाना जाता है, कोठी के नाम से, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और अलवर भरतपुर जिलों में ये पाई जाती है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे गरीबों की गाय नामक है उपाधि से नवाजी गई गोवंश की नस्ल है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों राठी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राठी। आगे देखिए, गोवंश की कौन सी नस्ल में सर्वाधिक दुग्ध वसा पाई जाती है? सर्वाधिक दुग्ध वसा कौन सी नस्ल में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राठी के अंदर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसको गरीबों की गाय कहते हैं। आगे देखिए, विदेशी नस्लों में गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल कहलाती है, विदेशी नस्लों में गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल कहलाती है तो वो कौन सी कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है HF, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा होलिस्टीन फ्रीजियन। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गोवंश की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? गोवंश की सबसे भारी नस्ल है वो है कांकरेज। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, होलिस्टीन फ्रीजियन के लिए सही विकल्प नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए यहाँ पे सबसे भारी नस्ल है बिल्कुल सही है, दूध में सबसे कम वसा है बिल्कुल सही है, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है बिल्कुल सही है, बैल कृषि कार्य हेतु उपयुक्त है, तो दोस्तों ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? गलत है, हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गोवंश की सबसे सुंदर नस्ल है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों आयर सायर। आयर सायर है ये गोवंश की सबसे सुंदर नस्ल है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, गाय भैंसों में सूखा दिवस कितने दिन का होता है? गाय भैंसों में सूखा दिवस कितने दिन का होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये होता है 60 दिन का, यानी कि 2 महीने का। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वच्छ व अधिक दुग्ध उत्पादन की वैज्ञानिक विधि है, स्वच्छ व अधिक दुग्ध उत्पादन की वैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो वो है दोस्तों विनिंग। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विनिंग। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, होलिस्टीन फ्रीजियन का औसत दुग्ध उत्पादन कितने लीटर वर्ष है? होलिस्टीन फ्रीजियन का औसत दुग्ध उत्पादन लीटर कितने वर्ष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, यानी कि प्रति वर्ष है, तो 5,000 लीटर प्रति वर्ष है दोस्तों।
ठीक है, होलिस्टीन फ्रिजियन का औसत दूध उत्पादन, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, बताया था मैंने आप भी आपको थोड़ी देर पहले, थार पारकर, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बीकानेर व गंगानगर जिलों की प्रमुख गोवंश नस्ल है तो वो कौन सी है दोस्तों, वो है राठी, ठीक है, राठी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों राठी नस्ल की, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये उत्तर पश्चिमी भाग में दोस्तों ये अधिकतर पाई जाती है, बीकानेर गंगानगर चूरू जैसलमेर क्षेत्रों में, ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि गायों के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए, विषाणु जनित रोग एक ही होता है जिसका नाम है खुरपका मुंहपका, जिसको अपन FMD के नाम से जानते हैं, और जीवाणु जनित रोग होता है दोस्तों इसमें थेनेला रोग, गलगोटू रोग, ब्रुसोलोसिस रोग, एंथ्रेक्स रोग, ठीक है, तो ये जीवाणु जनित रोग है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। और ये मैंने आज आपको गाय की नस्लों से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं, कल मैं आपको भैंसों की नस्लों से संबंधित प्रश्न करवाऊंगा, अगर आपने पिछली क्लास से नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।